हाय गाइस, आई एम सोनाली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है क्योंकि है ईद स्पेशल स्किन केयर। इसमें सिंपल मैं आपको दो स्टेप्स बताऊंगी। जी हाँ, इस दो स्टेप्स को आप करके इंस्टेंटली अपने हेल्दी ग्लोइंग को पा सकते हैं इन जस्ट वन डे गाइस, और इन जस्ट वन यूज। जैसा कि हम सबको पता है कि कल है ईद, हम सब फेस्टिवल के पहले अपने स्किन केयर का ध्यान रखते हैं। फेस्टिवल के एक दिन पहले हम कुछ ऐसा स्पेशल करते हैं जिससे हमारी स्किन हो जाए बिल्कुल क्लियर, हेल्दी, ग्लोइंग। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आपके साथ बहुत ही इजी सा स्किन केयर शेयर कर रही हूँ, जो कि सिर्फ सिंपल टू स्टेप्स में मैंने बताया है आप लोगों को। बहुत ही इजी है और आपको लगेंगे सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे। यस, आधे घंटे में आपका जो फुल फेस है वो बिल्कुल हेल्दी ग्लोइंग हो जाएगा और साथ ही साथ बिल्कुल फेशियल ऐसा निखार आ जाएगा। उसके बाद आप अपना ईद मेकअप ट्यूटोरियल कर सकते हैं, जो कि ईद के दिन करेंगे, यानी कि कल करेंगे। मैंने आप लोगों के साथ दो ईद मेकअप ट्यूटोरियल शेयर की थी, तो उन दोनों को अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, गाइज जरूर चेक करिएगा। लेकिन गाइज, सबसे पहले मैं आप सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि रिसेंटली मेरे इस सुपर मेकअप स्टाइल चैनल ने इसी वीक में 1000 सब्सक्राइबर हिट किए हैं। यस गाइज, 1K फैमिली हो चुकी है हमारी। थैंक यू सो मच गाइज, ईच एंड एवरीवन, उन एक एक सब्सक्राइबर को दिल से थैंक यू जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है। थैंक यू सो मच गाइज, आप लोगों के सब्सक्राइब करने की वजह से आज हम लोग का जो चैनल है वो 1K सब्सक्राइबर हिट कर चुका है। ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आप सब मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सबके कमेंट्स पढ़ना, उन्हें रिप्लाई करना, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं उसको रिप्लाई करना, आई रियली लव इट अ लॉट, मुझे वो बहुत ही अच्छा लगता है। गाइज, थैंक यू सो मच मुझे सब्सक्राइब करने के लिए। आप लोग का जो ट्रस्ट है, जिस ऑनेस्टी से आप मेरी वीडियो देखने आते हैं, मेरे ऑनेस्ट रिव्यू जानने के लिए, मेरे मेकअप ट्यूटोरियल्स में हैक्स जानने के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि आप लोग हमेशा आते हैं और मेरे चैनल पे प्यारे प्यारे कमेंट्स देते हैं। थैंक यू सो मच अपने कमेंट देने के लिए, मुझे अपने वक्त देने के लिए, मुझे मेरे वीडियो को देखने के लिए और मेरे वीडियो पे फीडबैक देने के लिए, जो कि बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, और शेयर करने के बाद मेरे वीडियो पे कमेंट करिए, अपने फीडबैक जरूर दीजिए, जिससे कि मुझे मेरे वीडियोस का फीडबैक मिलता रहे। आई होप हमारे सब्सक्राइबर्स ऐसे ही बढ़ें और हमारी यूट्यूब फैमिली बहुत ही बड़ी हो जाए। जैसे जैसे मैंने देखा है सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है, फेसबुक पेज पे मेरे मैसेज आता है कि दी आपकी एज क्या है, दी आप इतने जल्दी शादी कैसे कर ली, आप तो काफी यंग लगती हो, आपने कितनी पढ़ाई की है, आपका यूट्यूब पार्ट टाइम जॉब है या फुल टाइम जॉब है। ये सारे क्वेश्चंस मुझे हमेशा आते रहते हैं और मुझे बहुत खुशी मिलती है इन सबको रिप्लाई करने में। सो गाइज, मुझे ये रियलाइज हुआ कि आप सब लोग मेरे बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं, तो अगर आपके भी मन में मुझसे रिलेटेड, यानी गेट टू नो मी टैग, मैं वीडियो करना चाहती हूँ आप लोग के साथ, अगर आप भी मेरे बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जी हाँ, आप इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, कहीं पर भी मैसेज करके पूछेंगे, वो क्वेश्चन उस वीडियो में क्वालिफाई नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ इसी वीडियो में आपको कमेंट करके पूछना है जो भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, और साथ ही साथ आपको यूज करना है हैशटैग सोनाफैम का टैग। ये टैग यूज करके ही जब आप अपना क्वेश्चन ड्रॉप करेंगे, वही क्वेश्चन को मैं पिक करूंगी और उसके बाद मैं इस पे वीडियो बनाऊंगी। जो नहीं जानते उन्हें बता देती हूँ, गेट टू नो मी टैग जो वीडियो होती है वो मेरे बारे में, यानी आप मुझसे जो जानना चाहते हैं, मेरी एज क्या है, मैंने शादी कब की, मैंने कितनी स्टडी की हुई है, मैं जॉब करती हूँ या नहीं, मेरी फैमिली में कितने मेंबर हैं, ओनली मेरा, ना कि हमारे को कौन सा बेस्ट कॉम्पैक्ट यूज करना चाहिए, कौन सा बेस्ट फाउंडेशन है, ये नहीं पूछ सकते। मेरा फेवरेट फाउंडेशन कौन सा है, मेरा फेवरेट कॉम्पैक्ट कौन सा है, ये आप जरूर पूछ सकते हैं, लेकिन आप अपने ऊपर अभी क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। लेकिन अगर आपको अपने लिए कोई क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो गाइज, आप इस वीडियो में कॉमेंट करके मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो कि आपको मेरे बारे में जानना है। टिल मंडे ये क्वेश्चन लेने वाला जो पैटर्न है वो ऑन रहेगा, एक्टिवेट रहेगा, और मंडे को मैं अपनी वीडियो में अनाउंस करके क्लोज कर दूंगी, एंड देन जितने जल्दी हो सके मैं वीडियो अपलोड करूंगी। तो आप सब लोग के मन में अब ये भी सवाल होगा कि क्या एक इंसान एक ही क्वेश्चन पूछ सकता है? जी नहीं, अगर आप चाहें दो क्वेश्चन पूछना, तीन क्वेश्चन पूछना, तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। तो बस ये बहुत ही ज्यादा सिंपल होने वाला है, और अगर आपको कोई और क्वेरी हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां पे मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। एज आई रियली लव यू ऑल। ये जो ईद स्पेशल स्किन केयर मैं आपके साथ शेयर करी इस वीडियो को, चलिए अब फटाफट स्टार्ट करते हैं, वरना और भी वीडियो लंबी हो जाएगी।
तो गाइस सबसे पहले स्टेप के लिए हमें लेना है क्लीन बाउल, जो कि कोई भी हो सकता है। उसके बाद आपको लेना है चारकोल पील ऑफ मास्क या फिर पील ऑफ पाउडर, मेनली वो चारकोल होना चाहिए। नेक्स्ट हमें लेना है हनी एंड एलोवेरा जेल। तो इन तीनों को मैं इक्वल प्रोपोर्शन में ऐड कर रही हूँ, कोई भी मेजरमेंट नहीं है, आप हाफ हाफ स्पून भी ऐड कर सकते हैं। और क्योंकि एक अच्छा क्लेंजर काम करता है, लेकिन मैं यहाँ पे स्क्रबिंग करूंगी तो मैं चावल का आटा यूज करूंगी। आधे चम्मच चावल का आटा आपको इन इस क्लेंजर में मिक्स करना है, तो ये आपका क्लेंजर कम स्क्रबर बन जाएगा और आपके स्किन के लिए बहुत ही अच्छा वर्क करेगा। ये चारकोल जो होता है हमारी स्किन को डीप क्लेंज करता है गाइज। और हम सबको पता है जो ये चारकोल होता है इसके बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं, ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स को भी अच्छा रिमूव कर लेता है ये। और चारकोल आप चाहे पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप मास्क फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, नो मैटर, हमें सिर्फ चारकोल से मतलब है। हनी हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करता है और एलोवेरा जल के जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, वो डार्क स्पॉट्स, ब्लेमिशेज, एक्ने, इन सब से बहुत ही अच्छे से फाइट करता है। और चावल का आटा मैं यहाँ पे एज अ नेचुरल क्लेंजर की तरह यूज़ कर रही हूँ गाइस, स्क्रबर की तरह यूज़ कर रही हूँ। ये जो तीन फॉर्म मैंने लिया, एलोवेरा, हनी एंड चारकोल, ये बहुत ही अच्छा नेचुरल क्लेंजर का काम करता है, स्किन को बहुत ही अच्छा डीप क्लीन कर देता है। लेकिन ये जो चावल का आटा ऐड किया है ये स्क्रबिंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है, और इससे मैं अच्छे से स्क्रब करूंगी तो व्हाइट हेड्स, डेड स्किन, ब्लैक हेड्स सब रिमूव हो जाएंगे, ताकि आपका ईद मेकअप बहुत ही अच्छे से हो पाएगा। तो इसे आपको 5 मिनट तक मसाज करना है, फिर 10 मिनट के लिए स्किन पे छोड़ देना है, एंड देन 5 मिनट के लिए मसाज करके इसे रिमूव कर देना है। और आप देख सकते हैं मेरा ग्लो कितना अच्छा है। तो अब बढ़ते हैं स्टेप 2 की तरफ, और इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है पतंजलि का बॉडी उपटन। मैं 1 चम्मच पतंजलि का बॉडी उपटन लूंगी, कोई मेजरमेंट नहीं है मेरा, बिकॉज आई नो कि मुझे कितना चाहिए। और उसे बाइंड करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ रोज वाटर, आप चाहें तो अपना फेवरेट टोनर या पानी भी यूज कर सकते हैं। और मैंने काफी थिक पेस्ट बनाया गाइस, आपको दोनों ही स्टेप में काफी थिक पेस्ट बनाना है, नहीं तो वो रनी हो जाएगा और इधर उधर गिरेगा। तो थिक पेस्ट अप्लाई करना है आपको फेस पे, और आप देख सकते हैं कितना थिक है ये जो पतंजलि का बॉडी उपटन है गाइज। इसके स्किन बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं, एक्ने पिंपल से तो फाइट करता ही है, साथ ही साथ ये जितने भी स्किन प्रॉब्लम होती है ना, पिगमेंटेशन लिप्स के पास जो होती है, डार्क स्पॉट्स, जो मेरी स्किन है सीरियसली वो मेरी स्किन में बहुत मुझे प्रॉब्लम था, बट ये दोनों स्टेप को मैंने यूज़ किया और मुझे इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो इसे अपने नेक पर मसाज करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अगर आपको काले गर्दन की यानी ब्लैक नेक की प्रॉब्लम है तो आप बहुत ही आराम से इससे छुटकारा पा सकते हैं। इसे भी आपको 5 मिनट के लिए मसाज करना है और 10 मिनट के लिए छोड़ देना है, एंड देन इसे रिमूव करने का प्रोसेस बहुत ही अच्छा है, सिंपल है। आपको थोड़ा सा पानी लेना है क्योंकि ये बिल्कुल ड्राई हो जाता है, तो इसे आप अच्छे से वॉश नहीं कर पाएंगे, तो इसे अच्छे से आप मसाज कर लीजिए ताकि एक एक पार्टिकल्स अच्छे से ड्राई वेट हो जाए, एंड देन इसे वॉश कर लीजिए। और आप देख सकते हैं इंस्टेंट ग्लो जो मेरे फेस पे आपको दिख रहा है। सो गाइज ये था इजी सा स्किन केयर ईद स्पेशल, ओनली 2 स्टेप्स मैंने इसमें आपको बताई है और काफी अफोर्डेबल से प्रोडक्ट यूज किए हैं मैंने, और ओनली 30 मिनट्स में आपको हेल्दी ग्लोइंग स्किन मिल सकती है पार्लर में बिना 1000-2000 रुपए खर्चा किए। सो गाइज आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर तो करना ही है, साथ साथ कॉमेंट भी करना है वो क्वेश्चंस जो कि आपको मेरे बारे में जानने हैं। एंड आई होप यू लाइक माई वीडियोज एज वेल। सो गाइज आई लव यू ऑल, मैं हूँ सोनाली, मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।